साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार DLED F2 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के लिए जो है बचपन और बाल विकास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि 2023 में ये क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया था। और इस प्रश्न पत्र को देखकर आप सभी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं और इस तरह से आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये F2 जो पेपर है आपका वो 70 अंक का होता है और इसके लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय आप सभी को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। खंड क में आपको 5 अंक के प्रश्न प्रत्येक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है हमारा, बाल विकास से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाएं तथा बाल विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन हैं विवरण दें। अगला प्रश्न है दूसरा आपका, बच्चों के विकास में जन संचार माध्यमों की क्या भूमिका है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। बच्चों के विकास में परिवार की अहम भूमिका होती है, उदाहरण सहित बताएं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका, बालक के शारीरिक विकास की समझ होना एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है अथवा शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, समझाएं। चौथा प्रश्न है आपका, सृजनात्मकता जन्मजात होती है या अर्जित, अपने विचार दें अथवा सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, सृजनात्मकता के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। उसके बाद आपका पांचवा प्रश्न है, खेल से आप क्या समझते हैं, बच्चों के विकास में खेल की क्या भूमिका है अथवा सीखने सिखाने के माध्यम के रूप में खेल की क्या भूमिका है। उसके बाद छठा प्रश्न है आपका, जॉन बॉल्बी द्वारा प्रतिपादित लगाव का सिद्धांत को समझाएं अथवा बालक में नैतिकता का विकास हो रहा है, उदाहरण सहित समझाएं। यहाँ पे खंड क में आपको 5 अंक के 6 प्रश्न देखने को मिले, सब में अथवा करके एक प्रश्न है, यानी कि 30 अंक का ये आपका खंड क है और खंड ख आपका 40 अंक का होगा। यहाँ पे देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और यहाँ पे किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी कि यहाँ पर आपको जो है 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न में से 4 प्रश्नों का जवाब देना है। आइए देखते हैं इसके प्रश्न को। पहला है आपका, बालक के शारीरिक विकास से आप क्या समझते हैं, शारीरिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं का वर्णन करें। उसके बाद 8वां प्रश्न है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, उपरोक्त वाक्य से आप क्या कहाँ तक सहमत हैं, स्पष्ट करें। उसके बाद 9वां प्रश्न है आपका, बचपन और बाल विकास F2 विषय से अपनी पसंद के किसी इकाई से एक प्रश्न बनाएं तथा उसका सही उत्तर लिखें। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, इसमें से 2 पर टिप्पणी लिखना है आपको। क है वृद्धि और विकास के बीच अंतर संबंध, ख है साथियों का समूह तथा उनके प्रभाव, ग है स्थूल ज्ञात्मक कौशल और घ है किशोरावस्था। इस प्रकार से 11वां प्रश्न आपका है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के संबंध की विवेचना करें। अर्थात यहाँ पे 5 प्रश्न आप लोगों ने खंड ख से देखा और खंड क से आपको 6 प्रश्न देखने को मिला। कुल मिलाकर के 70 अंक का ये प्रश्न है और ये पेपर आपका होता है। तो इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल ज्ञान मिलन इंस्टीट्यूट को आप सभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।